चला गया। चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को अपने यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भावाविष्ट होकर की कहते काशी ते पढ़ाए बेटा प्रकाश आनंद मोर देह करे खंड खंड। महाप्रभु बड़े क्रोधित होकर की बोले ये प्रकाश आनंद ये मायावादी बेटा मेरे शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके काट रहा है क्योंकि मेरा जो स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्यादि हेतु भगवान का जो स्वरूप है सत चित आनंदमय भगवान का जो लीला है वो दिव्य भगवान की दिव्य लीला है। भगवान का स्वरूप भी बड़ा दिव्य स्वरूप भगवान कृष्ण का है। इसलिए ऐसे मेरे स्वरूप को जिस स्वरूप को भक्त लोग को दर्शन करके जिस भगवान को सेवा करके भक्त लोग अपना जीवन को धन्य करते हैं कहते वो दुष्ट क्या कर रहा है मेरे शरीर को बोटी बोटी करके मेरे शरीर को काट रहा है मेरे को वो निराकार कहता है निर्विशेष कहता है निर्लिप्त निर्गुण है। इसलिए कहते वो लोग जो भगवान को स्तुति करते हैं मायावादी लोग ब्रह्मवादी लोग महाप्रभु कहते हैं जैसे किसी व्यक्ति को जैसे हैं जैसे तीर मारे ना हैं कहते उनको स्तुति स्तव मेरे शरीर को जैसे कोई बाण कोई तीर जैसे मारते हैं। बोले क्यों जब मेरे स्वरूप को तुम नहीं मानते हो अरे मेरे को स्तुति क्या कर रहे हो जब मेरे स्वरूप को तुम नित्य नहीं मानते हो फिर तुम्हारी स्तुति थोड़ी स्तुति है वो स्तुति स्तुति नहीं। इसलिए गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान कहते हैं हाँ सेवक करे द्रोह मोहि सहित ना पारी पुत्र यदि है मोर तथापि संहारी। कहते अगर कोई मेरे भक्तों को कोई द्रोह करता है कहते बगैर वो अगर वो मेरा बेटा भी हो ना मैं कभी उसको सहन नहीं करता। इसलिए इसलिए कृष्ण ने किया कि अपना बेटा नरकासुर को उन्होंने मारा। क्यों मारा कारण है हैं कि दुष्ट संगत में वो मेरे और मेरे भक्तों का वो विरोध हो गया। विरोध होने का वजह से मैंने क्या किया उसको मैंने खत्म कर दिया उसको मैं मार डाला। इसलिए अभी जितने महाप्रभु का भक्त लोग थे बड़े खुश हो गए महाप्रभु का स्वरूप का दर्शन करते हुए बोले अभी कोई चिंता नहीं अभी तो श्रीमन महाप्रभु अभी हमारे साथ में अभी तो हम खूब कीर्तन करेंगे। इसलिए भगवान भी सारे भक्तों का आश्वासन दिया बोले कोई चिंता मत करो खूब बदन भर करके मुंह भर करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी महाप्रभु का आशीर्वाद को पा करके भक्त लोग तो थोड़ी सी छुप छुप कर कीर्तन करते थे पाखंडियों से ये पाखंडियों से डरते हुए मुसलमान को डरते हुए अभी जितने महाप्रभु का भक्त ना सबका छाती चौड़ा हो गया बोले अभी कोई चिंता नहीं जब महाप्रभु हमारे साथ में चलो गली गलियों में मृदंग मजरा लेकर के भगवान की सबके सब हम कीर्तन करेंगे सर्वत्र। अभी श्रीमान महाप्रभु सोच रहे हैं अभी तो मैंने प्रकाश हो गया मेरा प्रकाश हो गया लेकिन अभी उनको अभी नित्यानंद प्रभु का याद आ रही क्योंकि बोले अजान लंबित भुजौ कनका बदातो संकीर्तन कपितरौ कमलाय ताक्षौ
विश्वं भरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। इसलिए कहते महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु तत्वतः वो अलग नहीं, वो एक ही है, हैं? केवल बलदेव प्रभु को देखने में गोरे और कृष्ण को देखने में केवल काले, इतना ही फर्क है। दुई भाई हैं, दुई भाई एक तनो समान प्रकाश, दोनों भाई हैं, कहते एक ही है दोनों भाई। इसलिए केवल लीला रस को आस्वादन करने के लिए कृष्ण ही बलदेव प्रभु रूप में और महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु रूप में प्रकाश हुए हैं। इसलिए आधा तो प्रकाशित हो गए लेकिन अभी आधा बाकी है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अभी नित्यानंद प्रभु को नहीं देख करके महाप्रभु मन मन में दुखी है। तब यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, बोले प्रसंगे सुन नित्यानंदे राख्यान सूत्र रूपे जन्म कर्म किछो करितान। यदि इस प्रसंग में श्रीमन नित्यानंद प्रभु का कुछ कथाओं को, कुछ जन्म कर्म को मैं कोशिश करता हूँ सूत्र रूप में, हैं? क्योंकि उनकी जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, भगवान की कथा कोई अंत नहीं है। इसलिए अनंत देव अनंत मुंह से अनंत काल से अनंत भगवान की कथा को वर्णना कर रहे हैं लेकिन अभी तक भी जिनकी कथा को समाप्ति नहीं कर पाए। इसलिए कहते थोड़ी सी मैं कोशिश करता हूँ, नित्यानंद प्रभु का कथा तो अनंत असीम है, थोड़ी सी सूत्र रूप में थोड़ी सी हीट दे करके कोशिश करता हूँ उनकी थोड़ी कथा सुनाने के लिए। बोले राड़ देश एक चक्का नामे आछे ग्राम जही जन्म लीन नित्यानंद भगवान। कहते श्री राड़ देश में है, कहते श्री राड़ देश में एक चक्र गांव है, जहाँ पर श्रीमान नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान जहाँ पर जन्म ग्रहण किया है। इसलिए पहले हम लोग ने श्रवण किया था वो राड़ नहीं, राड़ मतलब होता है राधा देश है, राधा देश है, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद सियो धाम सहबतरी। जब भगवान इसी जगत में आते हैं वो अकेले नहीं, धाम और पूरा के पूरा अपना भक्तों को लेकर के जगत में आते हैं धाम सब है। इसलिए श्री वृंदावन श्री नवद्वीप धाम को क्या बताया, ये गुप्त वृंदावन, क्या है गुप्त वृंदावन, गुप्त वृंदावन मतलब क्या है, मतलब वृंदावन ही वहाँ गुप्त रूप में है। इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते श्री नवद्वीप जो धाम है, जो नवद्वीप धाम है, अगर नवद्वीप धाम को कोई परिक्रमा कर लेना कहते उसको वृंदावन में जाने का अपने आप फल मिल जाएगा, अपने आप उसको फल मिल जाएगा। लेकिन इसी वृंदावन धाम का परिक्रमा करे उसको केवल वृंदावन धाम ही परिक्रमा करने का फल मिलेगा, लेकिन अगर नवद्वीप धाम परिक्रमा करे तो क्या होगा, उसको दोनों धाम परिक्रमा करने का फल मिलेगा। इसलिए कहते श्री नवद्वीप धाम श्री गुप्त वृंदावन है। इसलिए कहते श्री राधा रानी अपना हृदय को कृष्ण सेवा के लिए श्री नवद्वीप धाम रूप में, कहते ये नवद्वीप धाम नहीं, ये राधा रानी के नोट हो, ये कुंज है, ये राधा जी की हृदय से श्री नवद्वीप धाम प्रकट हुआ। इसलिए यहाँ वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, कहते श्रीमन नित्यानंद प्रभु राड़ देश और एक चक्र ग्राम में, मैंने पहले बताया था एक चक्र नाम क्यों पड़ा, क्यों पड़ा याद है किसको, वो कहीं गला एक चक्र नाम कहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग पहले श्रवण किया था महाभारत युद्ध में जब श्री कृष्ण चंद्र भीष्म को मारने के लिए उन्होंने रथ चक्रा को उन्होंने उठा दिया, लेकिन भीष्म ने जब देखा भगवान ने अपना प्रतिज्ञा को तोड़ करके, ठाकुर ने मेरी प्रतिज्ञा को रक्षा कर लिया, इतने में पितामह भीष्म उतर करके भगवान का चरण में प्रणाम किया, बोले हे प्रभु कहाँ आप सत्य संकल्प हो, अगर कोई बात की अगर आप संकल्प कर ले जरूर वो सत्य होता है, हैं? इसलिए कहा विश्व ब्रह्मांड का मालिक, आपकी इशरा में जगत में सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, आप मेरी प्रतिज्ञा रक्षा करने के लिए अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिया, लेकिन भगवान ने रथ चक्र को अल्ली उठा लिया था मारने के लिए, हैं? आज ये बूढ़े को समाप्त कर दूंगा, ये बूढ़े को
छलांग लगा ला आकर के अर्जुन को मारने के लिए कोशिश कर रहा है, हैं? लेकिन भगवान उठा लिया, भगवान का सत्य संकल्प है, सत्य संकल्प भगवान जो संकल्प करते वो सत्य होता है। चक्र तो उठा लिया, अभी क्या करेंगे, अल्लाह उठा लिया ऐसे चक्र को मारे, हाँ ऐसे मारे चक्र घूमते 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 श्री एक चक्र गांव पड़ा, इसलिए उसका नाम एक चक्र है। इसलिए वहीं पर श्रीमान नित्यानंद प्रभु वहीं पर जन्म हुए, इसलिए जिनकी पिताजी का नाम था हराई पंडित और महात्मा जी का नाम था पद्मा द्विपती। जब श्रीमन नित्यानंद प्रभु जन्म ग्रहण हुए, कहते हैं नित्यानंद प्रभु साक्षात बलदेव प्रभु, यहाँ पर कह रहे हैं जितने सर्व गुण संपन्न श्री नित्यानंद प्रभु, क्यों साक्षात ये बलदेव प्रभु है कृष्ण अभिन्न, इसलिए सर्व गुण संपन्न श्री नित्यानंद प्रभु, इसलिए हड़ाई पंडित और पद्माद्विपती। आप देखना इसी जगत में कोई बच्चा किसको होता है ना, दिन भर पिता माता गोद में लेकर उसको दिन भर उसको लाड़ प्यार करते हैं, और जहाँ साक्षात नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु हुए कितने सुंदर नहीं होंगे, इसे दिन रात केवल उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु को गोद में लेकर कभी छोड़ते नहीं थे, हैं छोड़ते नहीं थे। कहते एक दिन एक सन्यासी आया, सन्यासी जब आए इतने में श्री हराई पंडित पद्मा देवीपति बोले आज हमारी क्रिया धन्य हो गया, आज ये सन्यासी आया है, इसलिए उनको उन्होंने चरण धोए, उनको उन्होंने प्रसाद खिलाया, खूब उनको सेवा पूजा की। जब सेवा पूजा की जब वो जा रहे थे, उन्होंने बोले मेरे को एक चीज तुम लोग दोगे, बोले चीज का क्या सामान किया, हम तो प्राण दे सकते हैं आपको, सामान की क्या बात करते हो, बोले प्राण दे सकते हो, बोले हाँ, बोले मेरी इच्छा है हम थोड़ी सी तीर्थ भ्रमण करने के लिए जाए, आपका बेटा ये बेटे को दे सकते हो, ये बेटे को हमें दे सकते हो। इतना सुनते ही जैसे सर पर वज्र गिरा, हाँ साक्षात नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु, एक बेटा अगर कोई बोले तुम्हारे बेटे को दो हम लेकर के जाएंगे और तीर्थ भ्रमण करेंगे, हैं ये संभव है क्या। इतना सुनते ही उनको सर के ऊपर में जैसे वज्र उन्होंने गिरा, बोले अगर आप प्राण मांगते हैं ना हम आप प्राण को दे सकते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु को देना बड़ा कठिन। फिर सोच रहे हैं, फिर सोच रहे हैं, बोले क्यों, कोई अगर साधु घर में आए, हैं अगर कोई साधु घर में आए अगर कोई चीज मांगता है, हैं नहीं देना भी पाप है। फिर उनको याद आया, क्या याद आया, त्रेता युग में जब श्री विश्वामित्र जी दशरथ महाराज जी को घर में आए, जब श्री दशरथ महाराज को उन्होंने राम लक्ष्मण को उन्होंने मांगा था, लेकिन उसी समय में श्री दशरथ महाराज को कष्ट होने पर भी उन्होंने श्री बलराम श्री राम और लक्ष्मण को उन्होंने प्रदान किया है, इसलिए उनको स्मरण करते हुए मतलब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उसी समय में ही भगवान ने शिक्षा दिया, अगर घर में कोई साधु आता है कोई चीज अगर हमें मांगता है ना मना नहीं करनी चाहिए, ना मना करना पाप है। नहीं चाहने पर भी उन्होंने श्रीमन नित्यानंद प्रभु को दिया, यहाँ पर कहते हैं जब उन्हें नित्यानंद प्रभु को दिया है ना उसी समय में कहते श्री हड़ाई पंडित तो वहीं पर बेहोश हो गए, बेहोश हो गए, करीब 3 महीना तक उन्होंने भोजन नहीं किया नित्यानंद प्रभु का विरह में, है 3 महीना उन्होंने भोजन नहीं किया, केवल श्री चैतन्य प्रभाव में किसी तरह से प्राण को उन्होंने धारण किया। और वो जिस समय वो ब्राह्मण आया था जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को लेकर गए ना, उनको पास में एक मुरलीधर ठाकुर था, उन्होंने वो मुरलीधर ठाकुर जी को श्री हड़ाई पंडित को दिया, बोले देखो हड़ाई पंडित जब आपको ज्यादा नित्यानंद प्रभु का विरह हो ना, आप इसी ठाकुर जी को जब आप दर्शन करोगे इनके अंदर में नित्यानंद प्रभु का दर्शन होगा। इसलिए अभी भी एक चक्र गांव में जहाँ पर श्री बांके राय मंदिर है अभी भी वो मुरलीधर वहां पर, किसी ने देखा, देखा इस बार गए थे ना, तो देखना, इसलिए वहां पर अभी भी वो पर श्री मुरलीधर अभी भी वो ठाकुर जी है, है? इसलिए वहां पर एक वृक्ष है जिसका नाम मालातला, मालातला मतलब क्या है, रोज हड़ाई पंडित प्रभु का नाम जप करते थे,
लेकिन जब श्री नित्यानंद प्रभु को लेकर चले गए उनसे और माला नहीं जप हो पाए विरह, इसलिए उनने क्या किया, माला को उन्होंने उसी पेड़ के ऊपर उन्होंने लटका करके रख दिया था, इसलिए वृक्ष का नाम पड़ गया माला तला नाम पड़ा है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं कि ये जो उन्होंने जो लीला किया है केवल इन्होंने ऐसी लीला किया ऐसे नहीं, ऐसी लीला प्राय करके प्रभु का लीला में देखने को मिलता, भले कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। कभी जैसे श्री कपिल देव हैं, जब कपिल देव ने माता देहूति को, कपिल देव एक बेटा है, भगवान कपिल देव है, माता देहूति का एक बेटा, बड़े कष्ट से बेटा हुआ है, हैं? लेकिन जिस समय श्री कपिल देव माता देहूति को उन्होंने बड़े दिव्य ज्ञान प्रदान की हैं, बड़े सुंदर उनने ये जीवन किया है, मातृगर्भ में कैसे बच्चा कसम खाता है प्रभु का भजन करने के लिए, लेकिन आ करके कैसे भूल जाता है, कैसे हमारा आसक्ति साधु संग में ही करनी चाहिए, साधु संग से ही जीव का कल्याण है, लेकिन भले जिस कुल में क्यों जन्म नहीं हो माँ, अगर वो भगवान की भक्ति करता है वो जगत में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी अगर भगवान की भक्ति नहीं करता वो निकृष्ट है, है? इसलिए जो उन्होंने माँ को मातृगर्भ की उन्होंने कैसे जीव जब कसम खा करके आता है माया में भूल जाता है, फिर मरने के बाद उसको कैसे हैं जमदूत, कैसे तीन जमदूत गले में काल फांस को लगा करके गर्म रेतियों के ऊपर में कैसे उसको खींचते हुए ले जाते हैं, रास्ता में कुत्ते सियार उसको मांस को नोच नोच कर खाते हैं, फिर उसको एक बैतरणी नदी पार करना पड़ता है जो केवल टाटी पेशाब खून पी का वो नदी होता है, उसको कोड़े मार मार करके नदी पार करना पड़ता है, हैं? इसलिए करने के लिए 13 दिन लग जाता है, इसलिए हमारे उस तरफ में हिंद देश तरफ में हमारे उड़िया में तो 10 दिन में, उधर 13 दिन में, बोले क्यों, बोले वो नदी पार होने के लिए उसको 13 दिन लग जाती हैं, इसलिए उसको बाद में लोग शुद्धि क्रिया होते हैं, फिर कैसे उसको कर्म के अनुरूप उसको 84 कैसे है नरक में उसको कैसे भोगना पड़ता है, भोग करने के बाद जब पाप से मुक्त हो जाता है फिर उसको क्या करते हैं, फिर वो जी चंद्रलोक में उसको भेज देते हैं, कहाँ भेजते हैं, चंद्रलोक में भेज देते हैं, चंद्रलोक में भेजने पर जब चंद्रलोक में जा करके फिर जब बारिश ही होता है, बारिश ही होने पर वह जीव चंद्रलोक से बारिश को माध्यम से किसी फल को आश्रय लेता है, किसी फल को आश्रय लेता है, फल को आश्रय लेने पर फिर कहते ना दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ है, जिसकी भाग्य में लिखा होगा जो फल है ना वो व्यक्ति वही फल को ही भोजन करेगा, जब भोजन करेगा फिर फल माध्यम से फल जब अंदर में जाएगा फिर क्या होगा, वो फिर वृज रूप धारण करता है, फिर वही वृज ही फिर पति पत्नी का मिलन से कैसे मातृगर्भ में प्रवेश करता है, 5 दिन में क्या होता है, 1 महीना में किया, 2 महीना में किया, फिर 7 महीना में कैसे ज्ञान, फिर 9 महीना में कैसे जीव का फिर जगत में जन्म लेता है। भगवान ने कपिल देव ने अपना मैया को बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञान प्रदान की, प्रदान करते हुए भगवान कपिल देव वहां चले गए, हैं? भगवान जब चले गए इतने में उनका माँ जो देहूति थी इतने दुखी हो गई, क्योंकि एक बेटा था, हैं? और इतने दुखी हो गई, फिर उनने कहाँ चले गए, गंगा सागर में चले गए, गंगा सागर में, कौन कौन गंगा सागर गए, कोई नहीं गए गंगा सागर, वाह वाह गए, अभी गए, इसलिए क्या फिर गंगा सागर में वहां पर मकर संक्रांति का दिन है, मकर संक्रांति के दिन एक बार साल में है अपने आप जो पानी है ना अपने आप नीचे उतर जाता है, फिर वहां पर भगवान कपिल देव है, वहां पर उनका दर्शन गंगा सागर में एक बार साल में होता है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते भगवान कपिल देव जैसे चले गए थे मैया बड़ी दुखी हुई थी, फिर दूसरा उदाहरण देते बोले सुखदेव गोस्वामी, जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी मातृगर्भ से उनने जन्म हुए, बास जन्म होते ही बोले जंग प्रभजंत मन पेत मपेत कृत्यम द्वई पायन विरह का तर आज भाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुं स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मि। इसलिए श्री सुत गोस्वामी श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। इसलिए जन्म होते ही उन्होंने संन्यास लेकर के चले गए। जब चले गए पीछे पीछे श्री व्यास देव हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र करते करते पीछे पीछे चल रहे थे। जब चल रहे थे इतने में श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, मेरे जो गुरुदेव है ना, मेरे जो गुरुदेव है तन मैया तरवो विनेदो, कहते सारे वृक्षों के अंदर में सारे लताओं के अंदर में मेरे गुरुदेव का विद्यमान है, हैं? मेरे गुरुदेव का विद्यमान सर्वत्र है। इसलिए और जिस समय श्री व्यास देव पीछे पीछे चल रहे थे क्या बोल रहे थे, हा पुत्र हा पुत्र, उसी समय में ही सारे वृक्षों से भी आवाज आ रहा था, क्या हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र बोल करके सारे वृक्षों से आवाज आ रहा था। यहाँ पर सुत गोस्वामी कहते हैं जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। कद जो भगवान का प्यारा हो जाता है ना, भगवान के प्यारा कद सारा दुनिया उसको प्यार करने लग जाते हैं, सारा दुनिया जो भगवान का प्यारा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी कहते हैं मेरे गुरुदेव भगवान के प्यारे हैं, इसलिए प्यारे होने का नाते जो वृक्ष है ना ये लता पता भी मेरे गुरुदेव का प्रति ये भी आसक्त है, ये भी गुरुदेव को प्यार करते, इसलिए ये भी क्या बोल रहे हैं लता पता हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र है। इसलिए जिस समय चले गए चल प्रतिध्वनि में क्या आ रहा था, हा पुत्र मतलब कौन किसका बेटा कौन किसका पिता है, कहते आप भी कभी उनका बेटा होगा वो भी कभी आपकी पुत्र हुआ होगा, इसलिए जगत में कोई किसका है ही नहीं। लेकिन उसी समय व्यास देव ही बड़े दुखी हुए थे। फिर तीसरा उदाहरण देते हैं, भगवान राम को छोड़ करके जब श्री दशरथ महाराज ने श्री भगवान दशरथ महाराज को छोड़ करके भगवान राम लक्ष्मण जो वनवास गए, उसी समय भगवान श्री दशरथ महाराज ने क्या किया, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र करते 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 अंतिम समय में उनने ये शरीर को उनने छोड़ दिया है, केवल हा पुत्र करते 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 छोड़ दिया। इसलिए इसका भी उदाहरण देते हैं। फिर उसको बाद में उदाहरण देते हैं श्री नंद बाबा को, जिस समय कृष्ण बलराम ने वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए, उस समय में है कहते नंद बाबा तो जब से कृष्ण गए तब से ब्रज में कोई कोयल कूकते नहीं, मयूर केका नहीं करते, किसकी घर में भोजन नहीं बनता है, ब्रज गोपियों का आंखों से इतने आंसू बह रहा था पर नला रूप में बह रही थी, मैया जसोदा तो बेहोश होकर पड़ी हुई थी, शरीर में कोई सुदबुद नहीं मैया जसोदा की, इसलिए हैं और ऐसे उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, कपड़ा भीग रहा था और नंद बाबा तो एकदम पूरा है कृष्ण विरह में, सब घर में मकोड़े चाल बना दिए, क्यों रसोई बनती नहीं है, रसोई नहीं बनती है। इसलिए यहाँ पर भी जब कृष्ण छोड़ कर गए संपूर्ण ब्रज भी कृष्ण विरह में डूबे हुए थे सबके सब। फिर पंचवा उदाहरण देते हैं कि जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब सच्ची माता को छोड़ कर गए, उसी समय हैं जिस समय महाप्रभु संन्यास लेकर जा रहे हैं, जाते समय केवल पांच व्यक्तियों को पता था महाप्रभु सन्यासी लेने वाले हैं, इतने में मैया सची को पता थी, मैया सची दरवाजा में खड़ी हुई थी एकदम लकड़ी जैसे, शरीर में कोई है कोई सुदबुद नहीं, महाप्रभु जाते समय मैया को परिक्रमा करते हुए प्रणाम करते हुए महाप्रभु निर्दय होकर के जब चले गए, उसी समय मैया सची ने वहीं पर ही मैया सची बेहोश होकर गिर पड़ी है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते केवल नित्यानंद प्रभु का जीवन में हुआ ऐसे नहीं, कहते सारे भगवान का जीवन में ही हुआ है, राम का जीवन में कृष्ण के जीवन में कपिल देव का जीवन में सुखदेव गोस्वामी सबका जीवन में, इस सबका जीवन में एक ही कथा। तो यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, कहते परमार्थ यही त्याग, त्याग कभो नहीं है,
कहते ये जो दिखाई पड़ता है ये त्याग देकर गए हैं, लेकिन वास्तव रूप में परमार्थ में ये त्याग त्याग नहीं। कहते ये चीज को तो कोई महाशय, कोई महान व्यक्ति ही ये चीज को समझ सकते हैं। महान व्यक्ति है ये चीज सभी नहीं समझ सकते, बल्कि क्यों? इसलिए कहते प्रेम की दो पहलू है। कितना पहलू है? दो पहलू है, एक विरह है और एक मिलन है। हाँ, प्रेम की दो पहलू है, एक विरह एक मिलन है। इसलिए मिलन में क्या होता है? केवल सामने सामने मिलते हैं, लेकिन विरह में क्या होता है? एकदम उसमें डूब जाते हैं, उसका चिंतन करते 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 एकदम डूब जाते हैं। जैसे महाप्रभु का लीला में मतलब एक समय क्या हुआ, महाप्रभु जब संन्यास लेकर चले गए, एक दिन सची मैया ने कोई तिथि आया, कोई अच्छे कोई तिथि तिवार आई, आने पर मैया सची ने जैसे बंगाल में पिठापना बना केक पिठापना बनाते बड़े सुंदर सुंदर हैं, मंडा पिठा सर चकोली अब कौन हो रिया कौन हैं आरे सा काकेरा अब कौन हो रही, इसलिए हाँ उसमें बंगाल में यहाँ तो कोई बंगाली है, इसलिए बंगाल में इसलिए एक गोपाल है, इसलिए बंगाल में बड़े सुंदर सुंदर पीठा बना बनाते हैं, बंगाल में बड़ी अच्छी अच्छी। इतने में मैया सची ने उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर बनाया, बना करके उन्होंने ठाकुर को सामने धर दिया, तुलसी पत्ता दे दिया, दे करके जब भोग लगाया ना सची मैया, तो भोग लगाते लगाते सोच रहे हैं अगर आज मेरे घर में मेरे लाल होता है, मेरे लाल श्री निमाई होता, कितने प्रीति करके बोले मैया ये जो केक है ना पीठा बड़ा सुंदर बनाया, मैया और थोड़ा दे दो है, मैया और थोड़ा दे दो। इसलिए मैया प्रेम से खिलाया करता था, बोलते थे ये तो निमाई का बहुत ही प्यारा था। ऐसे चिंतन करते 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 मैया ऐसे डूब गई, इतने डूब गई महाप्रभु का चिंता में। महाप्रभु उस समय जगन्नाथपुरी में थे, अभी मैया का भाव देख करके ना महाप्रभु पुरी से है, यहाँ से पुरी से महाप्रभु नवद्वीप में आ गई, आ करके मैया तो एकदम डूबी हुई निमाई की चिंतन में। इतने में महाप्रभु आए और मैया जो भोग लगाई थी ना महाप्रभु ने सब कुछ खा लिया, सब कुछ खा लिया। खा करके जब थोड़ी देरी बाद में मैया की ध्यान टूटी, देखा प्लेट खाली, प्लेट खाली, बोले ये क्या? पर मैया सोच रही है कि आज मैंने कुछ बनाया नहीं। फिर मैया जाकर चूल्हे को देखती है कि मुझे अगर रसोई बनाओ ना जाना चूल्हे में पड़ा हुआ होता है, इधर उधर सब्जी सब साग सब्जी पड़ा हुआ होता है। फिर मैया देखकर जाती तो चीना पड़ा हुआ मैंने, ये सब मैंने बनाया लेकिन ये सब गया कहाँ? इतने में इसको सची मैया अपना भ्रम समझती है, लेकिन तत्वतः जब संपूर्ण डूब जाती थी महाप्रभु का लीला में, जैसे राधा रानी पूरा डूब जाती थी कृष्ण लीला में, कभी कभी उन्होंने मैं को देखकर बात करती थी, मैं को साथ में तमाल को कृष्ण रूप मान करके आलिंगन करती थी, और जब राधा रानी संपूर्ण डूब जाती थी क्या देखती? डूबते हुए कृष्ण की गोद में बैठे, कृष्ण की गोद में बैठे हुए हैं। इसलिए इतने में चैतन्य महाप्रभु पुरी से गंभीरा से जब भक्त लोग फिर रथ यात्रा में आते हैं, हैं? रथ यात्रा भी होगा ना, रथ यात्रा में भक्त लोग आते हैं, जब भक्त लोग फिर वापस जाते हैं महाप्रभु भक्तों को द्वारा उन्हें खबर भेजवाते हैं, बोले मैया को बोलना, क्या बोलेंगे? बोले उसी तिथि में बड़े सुंदर उन्होंने पिठा पड़ा, बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने केक बनाया था, सब बनाया था, और मैया ने जब बहुत ज्यादा डूब गई निमाई को, कितने प्यारा था, कितने प्रेम से गाता था, मैंने आया था, भैया को बोलना तुमने ये चीज बनाई थी, और निमाई ने आकर सब चीज को खाए हैं। जब भक्त लोग वापस जाते हैं, जब मैया सची को बोलते हैं ना ऐसे ऐसे तुम्हारी बेटा निमाई ने खबर दिया, मैया इतने खुश हो जाती है, मेरे लाल ने आकर खा कर गया था, मैं तो मैंने भ्रम समझा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते ये जो दिखाई पड़ता है सुखदेव छोड़कर चले गए, भगवान राम छोड़कर गए, महाप्रभु छोड़कर गए, ये जो दिखाई पड़ता है ना क्या, ये केवल विरह रस को,
इसलिए इनका नाम बिरह। बिरह मतलब क्या? पी पी मतलब होता है विशेष पूर्वक, रह मतलब होता है केलीवा मिलन है, है? इसलिए ऊपर तक दिखाई पड़ता है जैसे अलग हो गई, लेकिन चिंतन के द्वारा संपूर्ण रूप में वो डूब जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते परमार्थ यही त्याग, त्याग कभी नहीं, ये परमार्थ जगत में जो त्याग है ये त्याग नहीं। लेकिन ये चीज को कौन समझेगा? कहते ये चीज को वही समझ सकता है जो बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति, वही केवल ये चीज को समझ सकते हैं, हैं? अभी उन्होंने नित्यानंद प्रभु को लेकर गए, उन्होंने सारे तीर्थों को उन्होंने भ्रमण किया है, हैं? सारे तीर्थों को भ्रमण किया। नित्यानंद प्रभु को लेकर क्यों गए, तीर्थ क्यों भ्रमण किया? कारण है जहां पर श्री नित्यानंद प्रभु का चरण पड़ेगा, कहते तीर्थ कुरुबंती तीर्थानी। नित्यानंद प्रभु जब के साधु है, जब एक साधु जब कोई तीर्थ को जाता है, तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान करते हैं, तीर्थ में जो अपवित्र हो गया उसको पवित्र करते हैं, तीर्थ का सारे पाप को साधु ले जाता है। और जहाँ साक्षात श्री नित्यानंद प्रभु जाएंगे, है, जहाँ पर बलदेव प्रभु जहाँ पर जाएंगे, कितने सौभाग्य की बात है, है? कितने सौभाग्य की बात है। इसलिए कहते वहां पर जब उन्होंने भ्रमण करते करते श्री वृंदावन में आए, वृंदावन में आते ही इन्होंने बचपन में कृष्ण को साथ में जैसे रमण ऋतु में जब गए, उनको याद आया यहीं पर मैंने कन्या को साथ में हम खेलते थे रेतियों के ऊपर में, यहीं पर खेलते थे, यहीं पर हमने गैया चराए, यहाँ पर हमने मक्खन चुराए, वहां जाकर उनको सारी लीला की उनको स्फूर्ति हुई और नित्यानंद प्रभु एकदम उसी में विभोर हो गए। अब विभोर होकर के उन्होंने वहां पर भी खिला धुला शुरू कर दिया, है, वहां पर भी खेलने लग गए। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने डूब जाते थे, अगर कोई खाना देते थे खाते थे, अगर कोई खाना नहीं दिया भोजन नहीं करते थे कभी कभी, है। इधर क्या हुआ, श्रीमन महाप्रभु जब इधर प्रकाश हो गए, अभी महाप्रभु सोच रहे हैं अभी नित्यानंद प्रभु अभी दया नहीं बढ़ते प्रभु, है, नित्यानंद प्रभु नहीं, उनके बगैर आनंद नहीं आता है। अभी नित्यानंद प्रभु भी समझ गए मेरे प्रभु श्री गौर हरि नवद्वीप में प्रकाश हो गए, इसलिए अभी श्री महाप्रभु को साथ में मिलनी चाहिए। अभी ये दोनों ही सोच रहे कैसे उनके साथ में मिलन होगा, इसलिए आइला नदिया पुरे नित्यानंद राय सकल भुवन जय जय ध्वनि है। इतने में श्रीमान नित्यानंद प्रभु उन्होंने वृंदावन छोड़कर के श्री नवद्वीप धाम में आए, बोले महा अपत अवधूत बेस प्रकांड शरीर निरवधि गभीरता देखी महाधीर। यहाँ पर कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु कैसे हैं, बोले सूर्य जैसे तेज है, हैं? इसलिए इनका नाम क्या, बलराम। बलराम क्यों हुआ, बोले बला तिख्यात बलम विदु बलदेव प्रभु हृष्ट पुष्ट एकदम बल एकदम पूरा ताकतवान थे, हैं? एकदम देखने में बड़े सुंदर थे, इसलिए सबको रमण करने वाले सबको आनंद देने वाले इसलिए बल का अधिष्ठात्री देवता थे। बोले श्री बलदेव प्रभु की जय। कह रहे हैं बोले महा अवधूत बेस प्रकांड शरीर, नित्यानंद प्रभु का शरीर विशाल शरीर है और अवधूत, अवधूत मतलब क्या है, जिनके शरीर से सारे अब जितने दुर्गुण सबके सब निकल गया है, हैं, जो एकदम पवित्र शुद्ध है और निरवधि गभीरता देखी महाधीर। कहते हर समय गभीर, गभीर मतलब क्या, कृष्ण प्रेम है, अब हर समय कृष्ण प्रेम में ये डूबे हुए हैं, इसलिए निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छायाए जगत जुड़ाए और है ना निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाईते नाई दृढ़ करी धर निताई। इसलिए श्रीमन नित्यानंद प्रभु हर समय कृष्ण नाम ले रहे हैं, हुंकार है, हैं? अभी बड़ा सुंदर अजानुलंबित भुज बख्य विशाल है, इसलिए कहते इतने में उन्होंने आए और आकर क्या किया, उन्होंने नंदन आचार्य घर में छुप गए। बोले अगर मेरे प्रभु सचमुच से अगर गौर हरि मेरे प्रभु होंगे ना मेरे को ढूंढ ही लेंगे, इसलिए उन्होंने उन्होंने छुप गए। जब छुप गए इतने में सबरे होते ही, हैं, सबरे होते ही श्रीमान चैतन्य महाप्रभु उन्होंने बोले बोले देखो मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा, एक बड़ा विशाल शरीर
ताल ध्वज, उनका बलदेव प्रभु का रथ का नाम क्या है? ताल ध्वज। ताल ध्वज क्यों नाम पड़ा कहते हैं? ऊपर ताल पता का है, कहते उनका नंदी ताल ध्वज रथ है ना, ताल ध्वज रथ क्यों है? इसलिए कहते श्री, कहते इनकी करें एक विशाल शरीर और ताल ध्वज रथ है उसमें बैठे। कहते ताल ध्वज मतलब जब ताल का जो वृक्ष होता है ना बहुत लंबा होता है, ताल का वृक्ष देखा कि नहीं, बहुत लंबा होता है, सबसे लंबा होता है ताल वृक्ष है। हाँ, जैसे ताल वृक्ष बड़ा लंबा चौड़ा होता है सबसे लंबा, उसी तरह जगत में सबसे बड़े कौन है? श्री बलदेव प्रभु। इसलिए वो ताल ध्वज रथ, उसका नाम ताल ध्वज बताया। जैसे सबसे बड़े श्री बलदेव प्रभु, जैसे ताल वृक्ष सबसे बड़ा होता है, हृष्ट पुष्ट होता है, ऐसे ही श्री बलदेव प्रभु भी ऐसे ही है। इसलिए वो आकर के ना सारे घर में है, सारे घर में आकर के उन्होंने दरवाजा खटखट करा रहे, दरवाजा खटखट कर, कहते ये क्या निमाई पंडित का घर है? हाँ, तब महाप्रभु बोले हाँ यही निमाई पंडित का घर है, इसलिए फिर तुम्हारी साथ कल हमारी साथ में मिलन होगा, दोनों भैया हम कल मिलेंगे। इसलिए महाप्रभु उन्होंने बोले मैंने स्वप्न देखा विशाल शरीर है, श्री नवद्वीप धाम में आए। जब नवद्वीप धाम में आए कहते आईला नदिया पूरे नित्यानंद राय सकल भुवने जय जय ध्वनि है। इसलिए जब नित्यानंद प्रभु आया सब जगह पर श्री नित्यानंद प्रभु की जय, जोर से बोलो बोले श्री नित्यानंद प्रभु की, बोले श्री दाऊ भैया की, बोले सर्वत्र जय जयकार हो रहा था। बोले नित्यानंद प्रभु का इतने महिमा क्यों यहाँ पर कह रहे हैं? बोले बणी का अधम मूर्ख है जे कैल पार, जो बणी की घर है ना, बणी जो है, जो बणी के है, है? जो सोने जो क्या बोलते उसको, जो सोनार लोग है और जितने अधम हैं, ये सबका अगर कोई पार किया ना श्री नित्यानंद प्रभु। इसलिए कहते हैं नितय गो नमनी अमर, नितय गो नमनी अनिया प्रेमेर बन्ना भाषल अबनी, प्रेमेर बन्ना लैया नितय आइला गौड़ दे ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सब कर जाते अवध करुणा सिंधु करे करे बोले प्रेम आदि आर पाना, लोचन बोले मोर के बना भजिला जानिया दुनिया के आत्मघाती है। लोचन दास ठाकुर कहते हैं नित्यानंद प्रभु क्या किया, अनिया प्रेमर बन्या, बन्या मतलब क्या बाढ़, बन्या उड़ीसा में तो बन्या बोलते हैं, बन्या आ गया, इसलिए अनिया प्रेमर बन्या बाढ़ लाग रहे भसाइल अवनी, संपूर्ण पृथ्वी को डुबा दिया। उन्होंने क्या किया? बोले आबद करुणा सिंधु काटिया मुहान, काटिया मुहान जान चो मुहान काट दी हरियर कर। इसलिए कहते जैसे उदाहरण दिया, जैसे एक तरफ में पानी पानी है, एक तरफ डैम है बांध है, और एक तरफ में पानी और एक तरफ में सूखा हुआ, अगर जाकर के बीच में उसको काट दोगे तो क्या होगा? कहते इतने तेजी से पानी आएगा ना, जैसे अभी आ गया, क्या आ गया? तूफान आया था ना, आकर के सबको डूबा, बंगाल पूरा डूब दिया। ऐसे ही उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, ऐसे ही उन्होंने जब उसको बांध को काटे ना इतने तेजी से, और उसी समय इतने तेजी पानी आता ना, एक तरफ में खाली है ना, सामने जो आएगा उसको डुबो करके ले जाएगा, उसको डुबो करके ले जाएगा। हैं, इसलिए
कहते नित्यानंद प्रभु ने ये प्रेम को लाए और ला करके सारे विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने प्रेम की बनिया में उन्होंने सब दुनिया को बहा दिया और इतना बहा है ना कहते केवल भारत नहीं संपूर्ण पृथ्वी को ही उन्होंने डूब दिया है और उसका बाढ़ भी कहाँ तक आ गया पुरी में भी आ गया जय श्री दामोदर गौड़ी मठ में भी आ गया है इसलिए और सब उड़ीसा हर गांव गांव में चला गया तुम लोग का गांव गांव में कल गया नहीं गया तो तुम लोग भी पकड़ करके डूबो करके यहाँ ले आए इसलिए कहते हैं श्री कल हम लोग सुनेंगे श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में कैसे मिलन हुआ और नित्यानंद तत्व क्या है महाप्रभु क्या प्रकाश करते हैं कल हम श्री अच्छे तरह से कथा सुनेंगे बोले श्री नित्यानंद प्रभु की बोले श्री ताऊ भैया की बोले श्री कृष्ण कन्हैया की सुभद्रा देवी की सुदर्शन चक्र की बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे Thank you.